बहुत मुश्किल काम है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को एक और नए से ब्लॉग में। तो गाइस, टू ब्लॉगर हर चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना प्यारा सा मस्त सा नज़ारा आ रहा है, मस्त सा व्यू है। सुबह काफ़ी सारा फोगी था, तो फिलहाल तो अभी धूप निकलने लगी है तो साफ होने लगी है। तो चलिए गाइस, चलते चलते थोड़ा रास्ते का नज़ारा दिखाते चलते आपको। गाइस, स्कूल जाकर तो आ गया, अब जा रहे हैं रास्ते पूरा चढ़ाई पे चढ़ के। बस इस तरह से दिखाई दे रहा होगा पीछे का तरफ नज़ारा गाइस। पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी आपके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। और गाइस, थोड़ा आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये देखिए गाइस, ये नेपाली बस्ती का मंदिर है और यहाँ पर बहुत से सारे श्रद्धालु लोग आया जाया करते हैं। कुछ इस ये देखिए गाइस, सरस्वती मंदिर से पार हो जाने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी सारा फोगी था, तो फिलहाल तो अभी धूप निकलने लगे है तो साफ होने लगी है। तो चलिए गाइस, चलते चलते थोड़ा रास्ते का नज़ारा दिखाते चलते आपको। गाइस, हम लोग अभी गाड़ी पर चढ़ गया है, तो अभी जा रहे हैं काम की साइड पर। कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा पीछे का नज़ारा, और आगे तो चले पीछे से कुछ इस तरह से है गली का रास्ता। ये देखिए, आप भी उठ गया। ये देखिए, टर्निंग पॉइंट है, बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा होगा गाइस। इसके लिए एक लाइक तो जरूर गाइस। गाइस, थोड़ी देर पहले तो आवाज़ ही नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा बैटरी को चार्ज किया था, अभी पूरा फुल एनर्जी आने लग गई है। वाव, क्या मस्त व्यू है गाइस, बस आप देख पा रहे हैं इस तरह से। ये रहा गार्डन, रिकेप्शन पार्क। गाइस, काम का साइड में पहुंच गया है, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा। स्टोरेज फुल हो गया था, इस वजह से पूरा आते समय का वीडियो पूरा नहीं बना पाया। आज का जो काम था, हमें इस चौकट पर सैंड पेपर मारकर साफ करना है मशीन से। इस वाले मशीन से मारकर जो है चौकट को जो है साफ करना है। हाय गाइस, हम लोगों ने जो अभी खाना वाना खाकर कंप्लीट कर लिया है, अब फिलहाल टाइम तो 2:30 बज रहा है। तो चलिए गाइस, अभी काम शुरू करते हैं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कितना मस्त खिड़की का जो पल्ला है उसको पेंट मारकर सुखा दिया है। गाइस देखिए कुछ नज़ारा, यहाँ पे जो है कलर पेंट कर देने के बाद में यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है कुछ इस तरह से। हाय गाइस, ये देखिए माँ बदमाश है लोग, देखिए हमको छोड़ के अभी देखिए तेल उल लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, और एक इधर में भी है शायद, और पीछे अंदर में लुका बैठा है। एक ग्रिल का अंदर में है ये लोग, अभी ऐसा पकड़ के देगा ना धुलाए, जाने को नहीं, जाने को नहीं मिलेगा। इसको सबसे पहले रस्सी से बांध के रखना पड़ेगा, तो हमें घर के अंदर में आज जाने को नहीं मिलेगा। रुको तुम लोग, हम अभी ठीक करता है। और दांत ज़्यादा निकल गया, दांत को बंद। गाइस, तो अभी काम हम लोगों ने छुट्टी कर लिया है, तो अभी जाने का समय हो चुका है, तो गाइस चलते हैं। तो गाइस, दोनों जन पार्टनर जो है वो लोग चले गए हैं, और अभी हम लोग तीनों बाकी है। क्या मौसम व्यू है देखिए गाइस, शाम की व्यूज। गाइस, घर पर पहुंच गया हूँ थोड़ा देर पहले,
और नहा धोवा भी लिया, चाय भी पी लिया और उम्बे और याकू के लिए दाना भी बन चुका है, वहाँ पर रख दिया है बना के। और अभी ये जो देखिए मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, हट, इसको दाना चाहिए अभी फिलहाल, तो थोड़ी देर बाद ही इसको दाना मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए इतना नज़दीक में। ओम्बे दिखाई दे रहा हूँ तेरे को भी। तो ये गाइस इसको अभी दाना चाहिए, इसलिए अभी मेरा नज़दीक में आ रहा है, ज़्यादा नज़दीक में आएगा मारने का ही मेरे को। बड़े खिंच रहा है ये देखिए, इसको नज़र तो गाइस खाना ना खाते हैं, खाना खाने के बाद में मिलते हैं गाइस। वो कल का जो अधूरा काम था घी बनाना, कल भी नहीं हुआ तो आज तो किसी भी हाल में बनाना है, तो खाना ना खाने के बाद में मिलते हैं गाइस। गाइस तो आज तो फाइनली घी बनाने जा रहा हूँ, तो चलिए गाइस मैं घी किस तरह से बनाता हूँ और कैसे बनाता हूँ चलिए आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस दूध का जो छाली होता है ना गाइस, उसको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जमा कर करके, तो फिलहाल तो अभी इस पर मैंने डाल दिया है और गर्म पानी डाल के रखा हूँ, तो अभी तो फिलहाल ठंडा हो गया। तो चलिए गाइस आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। घी बनाने का जो मेन औजार है गाइस, उस ये इस तरह से रहा, इस पर मैंने जो आने वाला जो सामान है उसको कुछ इस तरह से ड्रिल मशीन पर फिट कर दिया है। तो चलिए गैस अभी घी अभी तक नहीं, मतलब अभी फिलहाल तो मक्खन तैयार हो गई है गैस, ये देख सकते हैं। तो चलिए गैस अब इस मक्खन को जो बाहर निकलते हैं कढ़ाई पर। एकदम जो है ना जो है कि गाइस एकदम प्योर देसी मक्खन है ये, इसे अब पकाने के बाद ही घी बनेगी गाइस, फिलहाल तो ये मक्खन ही है। तो गाइस कुछ इस तरह से रहा मक्खन, ये देखिए कितना मुलायम सा मक्खन है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी मक्खन जो है अभी पिघलने लग गई है, तो देखिए झाग निकल रहा साइड पर, अब धीरे धीरे पूरा जो है पिघल जाएगी, पिघल जाने के बाद में थोड़ा देर और पकाना होगा तब जाकर गैस देसी घी बनेंगे, मतलब देसी घी जो तब जाकर होगी। देखिए गैस बहुत ही मज़े से पाक रहा है अभी घी, ऐसे लग रहा है कि ये गुड़ बन रहा है, लेकिन गुड़ बोले तो जगरी, लेकिन ये गैस घी बन रहा है, ऐसे दिखने में लगता है बोलता होगा जगरी बन रहा होगा, बट घी बन रही है अभी। गैस अभी जो है घी ठंड हो गई है। गैस जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो छोटा सा मार्कर है ये ऊपर का, पहले का घी यहाँ तक था और अभी जो बनाया घी अभी यहाँ तक हो गई है, और अभी लगभग और 150 ग्राम आटेगा उस पर, अब नेक्स्ट टाइम फुल हो जाएगी गैस, एकदम देसी प्योर घी